भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के भर्ती को लेकर किए गए समझौते की समीक्षा करने जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि इस समझौते में कुछ प्राविधान संदिग्ध हैं, इसलिए 1947 का यह समझौता निरर्थक हो गया है। नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक की मांग उठ चुकी है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती अतीत की विरासत है। नेपाली युवकों के विदेश जाने के लिए यह पहली खिड़की थी। इसने अतीत के समय से बहुत सारी नौकरियां पैदा की, लेकिन बदले हुए संदर्भ में कुछ प्राविधान संदिग्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दोनों देशों के नेताओं द्वारा ही भारत और नेपाल के लोगों के बीच में करवाहट पैदा की जा रही, जिसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं इन पुराने बेहतरीन मैत्री संबंध को तोड़ने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेत्र विक्रमचंद ने पहले भी नेपाल सरकार से अपील करते हुए कहा था कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि चीन से विवाद के बीच भारत नेपाली गोरखाओं को सीमा पर तैनात करना चाहता है। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवक का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। यह नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ है। उनके इस वाक्य का मतलब यही था कि इससे चीन और नेपाल के संबंध खराब होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो उनका कहना यही था कि इससे चीन नाराज हो सकता है। गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वही गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहाड़ियों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई नहीं कर सकता। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहां की सेना में शामिल है। हाल ही में IAM ने 3 नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन दिया है। नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में शामिल होना किसी मुश्किल की बात नहीं है, जबकि ये कदम ये दर्शाता है कि भारत को नेपाली गोरखाओं पर 100% विश्वास है, जिसके तहत ही उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। क्योंकि सेना अपने आप में अहम जगह है, वहाँ हर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता, और किसी दूसरे देश के सैनिक को अपनी सेना में शामिल करना ये दर्शाता है कि उस देश के नागरिकों पर विश्वास 100% है। और सेना अपने आप में एक अहम रोल है, जिसमें अगर एक भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए नेपाली नागरिकों का भारतीय सेना में शामिल होना गलत नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की मित्रता को और ज्यादा बांध के रखता है। लेकिन अब नेपाल अगर चीन का हित देखते हुए भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं होना देना चाहता, तो इससे दोनों देशों की मित्रता पर 100% असर पड़ने वाले हैं। हाल में ये भी देखा गया है कि नेपाल की उरी सरकार लगातार आक्रामक रही है, जो कि भारत की तमाम गतिविधियों पर रही है, और उसी क्रम में इसे भी देखा जा रहा है। गोरखाओं की बहादुरी के किस्से यूं तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष श्याम मनेष्का, जो खुद गोरखा रेजिमेंट से ही थे, वे इसके बारे में अक्सर कहते रहते थे कि अगर कोई यह बोल दे कि वह मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। 1815 से लेकर आज तक नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना के साथ अभूतपूर्ण संबंध है। अगर इन पुराने संबंधों से अब छेड़छाड़ होती है, तो इसका मतलब यह है दोनों देशों के नागरिकों पर ही असर पड़ने वाला है। बहुत से नेपाली नागरिक हैं जो कि भारत में काम करते हैं, और बहुत से भारतीय नागरिक भी हैं जो नेपाल में काम करते हैं। दोनों ही देशों के नागरिक बिना रोक टोक एक दूसरे की सीमा में जा सकते हैं, मानो पूरा भारत नेपाल का हो और पूरा नेपाल भारत का। यानी कि इस तरह की दोस्ती दुनिया के नक्शे में आज तक किसी भी देशों के दरमियान नहीं है, और इन दोस्ती को तोड़ना तो बहुत आसान है, पर इसे जोड़ना और इतने पुराने समय से बना कर रखना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर नेपाल की सरकार और भारत की सरकार इस पर सही कदम नहीं उठाती, तो ये पुरानी दोस्ती चरमरा कर टूट रही है, और इसमें हाल में ही कई कदम नेपाल की सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं। गोरखा सैनिक जंग के मैदान में कुकरी की सहायता से ही दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। यह एक तेज धार वाली कटार होती है, जो हर गोरखा सैनिक के पास हमेशा होती है। यह हथियार उन्हें ट्रेनिंग के बाद दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे युद्ध कला में दुश्मनों के खिलाफ करते हैं।
गोरखा सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। भारतीय सेना में 42 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें पोस्ट पर भेजा जाता है। ये पहाड़ियों पर लड़ाई में बेहद माहिर होते हैं। ये आमने सामने की लड़ाई और बिना हथियारों की लड़ाई में दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। इनकी कदकाठी छोटी और कटी हुई होती है। नेपाल के साथ भारत के संबंध अब तक सही रहे हैं, लेकिन हाल ही में इसमें खटास आने लगी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घरेलू राजनीति की वजह से भी इस पर काफी असर पड़ा है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि चीन का भी काफी असर नेपाल की राजनीति पर पड़ रहा है, जिसे लेकर भारत के साथ दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कालापानी लिपू लेक और लिम्पियादुरा का मुद्दा बना रहा है, जिस पर बात नहीं हुई और अचानक चीजें उलटफेर हो गईं, क्योंकि काफी समय से ये विवाद विवाद ही था, लेकिन भारत की रोड बिल्डिंग के बाद से ये विवाद काफी ज्यादा उठ गया।